वेलकम टू माई चैनल अंडरस्टैंड विद रिया। और आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्ट वन सीन वन ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। पिछली बार हम लोगों ने पेज 25 टिल एंटोनियो देखा था, एंड टुडे आई लास्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय बैक पाइपर। व्हाट इज मेंट बाय बैक पाइपर। सेकेंड, व्हाट इज जेनिस। व्हाट इज जेनिस। थर्ड वन इज हु इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ एंटोनियो। हु इज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ एंटोनियो। थर्ड इज नेक्स्ट इज व्हाट इज नेस्टर। व्हाट इज नेस्टर। नेक्स्ट इज व्हाट इज एंड्रियो। व्हाट इज एंड्रियो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैरेक्टर played by Antonio. What is the character played by Antonio in this world? Okay, these are the questions which whose answers you have to write in the comment box. So let's start with Graciano. Let me play the fool with mirth and laughter. Let old wrinkles come and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying rooms. तो ये वो बोलता है कि लेट जो मेरा मैं जो हूँ वो फूल का प्ले करता हूँ। प्ले अगर तुम जो सैड का कर रहे हो तो मैं जो हूँ वो फूल का करूँगा। और विद मोर एंड लाफ्टर लेट ओल्ड रिंकल्स कम, मतलब मैं इतना हंसूँ कि ओल्ड रिंकल्स को मेरे चेहरे पे आ जाने दो और जो मेरा लिवर है वो हीट हो जाने दो वाइन से, ना कि दैट हार्ट जो है वो डेथ से कूल हो जाए। मतलब जब डेथ होती है तो हार्ट कूल हो जाता है, तो इससे अच्छा है तो कि मेरा जो लिवर है वो वाइन से हीट हो जाए। मतलब कि यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं यहाँ पे अपने आप को इन्जॉय करूँगा माई सेल्फ को। वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज़ वॉर्म विद इन सर सिट लाइक हिज ग्रैंडसन कट इन अलाबास्टर। सो वो बोलता है कि वाई जो मैन है जिसका जो ब्लड है वो वॉर्म है, मीन्स जो अलाइव है, वो एक ग्रैंडसन कट इन अलाबास्टर। नाउ हियर नाउ दिस सी ग्रैंडसन कट इन अलाबास्टर का मीनिंग है यहाँ पे लिखा है सी। सिट एज स्टिल एज कर्व स्टैचू ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ना वो बोलता है कि मैं क्यों, मतलब अगर कोई इंसान अलाइव है जिंदा है तो वो एक स्टैचू की तरह क्यों बैठे। स्लीप्स व्हेन ही वेक्स एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस। नाउ हियर जॉन्डिस मीनिंग इज डिजीज दैट टर्न्स द स्किन येलो। नाउ हियर एलिजाबेथन थॉट्स दैट जॉन्डिस वॉज कॉज बाय जेलेसी एंड बैड टेम्पर। तो वो सोचता है कि जो एलिजाबेथन सोचते थे कि जो जॉन्डिस है वो कैसा आता है, जेलेसी से और बैड टेम्पर से। सो वो बोलता है कि ग्रैंडशानो बोलता है कि स्लीप व्हेन ही वेक्स, मतलब कि क्यों एक जो इंसान जो अलाइव है वो एक स्टैचू की तरह बैठे, मीन सैड होके, और जब वो जब सो रहा हो, जब वो सो जाग रहा हो तो वो सो रहा हो, और क्रीप्स इन टू द जॉन्डिस। सो एवरी डे वी विल मीन्स ही ऐसा लगता है कि उसको कोई जॉन्डिस मतलब डिजीज पकड़ा करके। बाय बींग पीविश, पीविश मीन्स जेलिसी और इरिटेबल। आई विल टेल दी व्हाट एंटोनियो, आई लव दी एंड इट इज़ माई लव दैट स्पीक्स। तो बोलता है कि मैं बोलता हूँ एंटोनियो कि आई लव दी मीन्स आई इट इज़ माई लव दैट स्पीक्स मीन्स I love and means in love only I am speaking that there are sort of men whose visages, now here visages means, see this visages means faces. What is does it mean? Faces. Okay, visages means faces do cream and mental like a standing pole. ना वो बोलता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके जो फेसेस रहते हैं डू क्रीम एंड मेंटल लाइक अ स्टैंडिंग पूल, मतलब कि उनके जो फेसेस हैं वो एकदम जैसे पूल में एकदम स्टैंडिंग पूल मींस जिस पे क्रीम आ जाती है तो एकदम वैसे हो जाते हैं, मींस नो एक्सप्रेशन, मींस ना वो हंसते हैं ना वो रोते हैं ना वो कुछ करते हैं, एकदम स्टैचू की तरह रहते हैं। सी हियर इट इज स्टैंड स्टिल द लाइक द स्कम दैट फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ अ स्टिल वाटर इन द पूल। नाउ ये वो बोलता है कि एकदम मतलब कि नो एक्सप्रेशन ऑन द फेस एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन विद पर्पज टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन ऑफ विजडम ग्रेविटी प्रोफाउंड कंसीट एज हु वुड से आई एम सर ओरेकल।
तो वो बोलता है सच मैन रिमेन साइलेंस टू हैव रेपुटेशन फॉर विजडम. वो लोग क्यों साइलेंस रहते हैं? फॉर रेपुटेशन, फॉर विजडम, फॉर सीरियसनेस एंड डीप थाट. मतलब कि लोग उनको बहुत डीप थाट, बहुत रेपुटेशन के लिए वो लोग इतने साइलेंस रहते हैं. फॉर विजडम, ग्रेविटी, दिस आर ऑल, इसलिए वो लोग साइलेंट रहते हैं. एंड एज यू शुड से आई एम सर ओरैकल, मीन्स वो लोग बोल सके कि आई एम सर ओरैकल. नाउ आई एम सर ओरैकल मीन्स हियर सी, आई एम सर ओरैकल मीन्स आई स्पीक विद, हियर इट मीन्स कि ओरैकल जो थे वो बिलीव करते थे वॉइस ऑफ द गॉड अटर थ्रू द माउथ ऑफ प्रीस्ट. नाउ ये बोलते हैं कि जो ओरैकल है वो मतलब बहुत रेप्यूटेड पर्सन माना जाता था, मतलब जो वो बोलते थे वो सच होता था, सच होता था मतलब बहुत रेप्यूटेड रहता था. सो वो क्यों चुप रहते हैं? ताकि वो एक विजडम, एक रेप्यूटेशन एक्वायर कर सके, और जब वो बोले तो मीन्स एकदम रेस्पेक्टिव वॉइस हो, एकदम रिस्पेक्टेबल वॉइस हो, और नो मतलब कि जब वो बोल रहे हो तो कोई भी ना बोल रहा हूँ. एंड व्हेन आई ओप माय लिप्स लेट नो बार्क डॉग बार्क, मतलब कि जब वो जो रेप्यूटेशन पर्सन है जब वो लोग बोले तो मतलब नो लेट नो डॉग बार्क मीन्स कोई भी ना बोले, तब मीन्स सिर्फ वही बोले. ओ माय एंटोनियो आई डू, ओ माय एंटोनियो आई डू नो ऑफ दिस दैट therefore only are reputed wise for saying nothing. Now वो बोलता है कि I know such people, they are none as wise because they keep silence. Now वो बोलता है मुझे पता है ऐसे लोग वो कुछ नहीं करते हैं, वो कुछ wise नहीं होते हैं, वो लोग इतना wise रहते हैं because they are silence, कुछ नहीं बोलते हैं वो. And when I am very sure if they should speak with almost damn those ears which hearing them would call their brothers fools. Now वो बोलते हैं but when they speak people close their ears, means जब वो लोग बोलेंगे तो people जो है वो close कर लेंगे उसको, मतलब वो लोग फालतू बात बोलेंगे, ऐसा कहता है. So उसके बाद I'll tell thee more of this another time but wish not with this melancholy bait. तो बोलता है कि now we were stop this, मतलब हम लोग इस बात पर और कोई जो भी टॉपिक है इस पर हम लोग अब बाद में बात करेंगे. Do not look for popularity with such a tool as you sad face. Now वो बोलता है कि ऐसे मतलब इस popularity के लिए, इस wisdom के लिए इतना sad face मत बना के रखो, इस wisdom के लिए and popularity के लिए. For this fool gudgeon this opinion come good Lorenzo fare ye well a while. तो वो बोलता है now fool gudgeon here it means here this means that cheap fish. Okay so वो बोलता है कि डोंट बी लाइक दिस, मीन्स सैड मत रहो, इतना वो मत रहो, और इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे. ओके तो बोलते हैं कम गुड लोरेंजो फेर ये वेल वाइल आई एंड माई एग्जॉर्टेशन आफ्टर डिनर. तो वो बोलता है फिर कि चलो एंड लोरेंजो अभी हम लोग जाते हैं. तो बोलते हैं फिर बाय, फेर ये वेल मीन्स बाय. फिर लोरेंजो बोलते हैं वेल वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर नाइट, आई मस्ट बी वन ऑफ दिस सेम डम वाइज मैन फॉर ग्रेशियो नेवर लेट्स मी स्पीक. तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, हम लोग तुमको डिनर टाइम तक जाते हैं, यहाँ पे यहाँ से लीव करते हैं. और आई एम ऑल्सो लाइक देम हु कीप साइलेंस, मतलब कि मैं भी उन्हीं में से रहूँगा जो हमेशा साइलेंस रहते हैं, बिकॉज एंटोनियो जो है वो बोलने ही नहीं देता. मीन्स एंटोनियो सॉरी ग्रेशियो जो है वो बोलने नहीं देता, सिर्फ ग्रेशियो अपना ही बोलता रहता है, तो मुझे साइलेंस ही रहना पड़ेगा. ना ग्रेशियो बोलता है वेल कीप मी कंपनी बट टू ईयर्स मोर दो शाल्ट नॉट नो द साउंड ऑफ दाइन ओन टंग. तो बोलता है कि अगर तुम मेरे कंपनी में दो ईयर्स भी और रह गए तो तुम्हें खुद की आवाज़ मीन्स खुद की आवाज़ भी नहीं पहचानोगे कि तुम्हारी टंग की जो वॉइस क्या थी, मतलब कि वो किसी को बोलने नहीं देता है. एंड टूरियो फेयर वेल आई ग्रो अ टॉलर टॉकर फॉर दिस ग्रेट गिव. ना वो बोलता है कि ठीक है आई विल स्टार्ट स्पीकिंग आफ्टर योर एडवाइस. तो बोलता है कि मैं शुरू कर दूंगा थोड़ा बोलना तुम्हारे एडवाइस के बाद. ना ये ग्रेशियो सेज थैंक्स आई फेट फॉर साइलेंस इज नॉट कमेंडेबल. सो बोलता है कि थैंक्स आई फेट मीन्स आई इंडीड, क्योंकि साइलेंस जो है वो एक मतलब बिल्कुल भी प्रेज वाला नहीं है, साइलेंस इज नॉट गुड. इन अ नियर टर्म राइट
अब वो जा इन अ नियर ट्विन मीन्स ड्राइड ऑक्स टंग, इट्स लाइक अ ड्राइड ऑक्स टंग. नाउ हियर एग्जिट ग्रेशियानो एंड लोरेंजो, वो लोग हो जाते हैं एग्जिट. नाउ एंटोनियो, इज दैट एनीथिंग नाउ? तो फिर एंटोनियो बोलता है इज ही राइट, ऐसा पूछता है. तो बेसानियो बोलता है ग्रेशियानो स्पीक्स एन इन्फिनाइट डील ऑफ नथिंग, मीन्स ग्रेशियानो स्पीक्स लाइक दिस, नोबडी इन द वेनिस टॉक लाइक हिम. जो ग्रेशियानो है वो एकदम मतलब कि फालतू की बातें करता है एकदम, जो वेनिस में ऐसा कोई नहीं कहता है. हिज रीजन आर टू एज टू ग्रेन्स ऑफ व्हीट हिडन हाइड इन टू बशल्स ऑफ चाफ, मीन्स उसका जो रीजन रहता है, उसका पर्पस रहता है बोलने का, वो एकदम वैसा रहता है जैसे कि देखा भूसा, मीन्स पता है भूसा जो रहता है उसमें जो नीडल रहती है उसको ढूंढने जैसा रहता है. मीन्स उसका जो पर्पस है वो क्या बोल के जाता है, उसके पर्पस ढूंढना इज वेरी मीन्स लाइक इम्पॉसिबल. यू शैल सीक ऑल डे इफ यू फाइंड देम एंड व्हेन यू हैव देम दे आर नॉट वर्थ, मीन्स तुम उसको पूरा दिन ढूंढते रहोगे, वही नीडल को उस चाफ में ढूंढते रहोगे, और जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें रियलाइज होगा कि इट इज़ ऑफ यूजलेस, मीन्स कोई फ़ायदा नहीं था ढूंढने का. तो वैसे ही ग्रेशियानो की बातें रहती हैं कि जब सुनते सुनते लेकिन कोई भी पर्पस नहीं निकलता है उस बातों को सुनने का. नाउ एंटोनियो बोलता है वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम टू हूम यू स्वेयर अ सीक्रेट पिलग्रिमेज दैट यू टू डेयर प्रॉमिस टू टेल मी ऑफ. नाउ यहाँ पे एंटोनियो बोलता है ठीक है चलो वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम, तो बोलता है बताओ कौन सी लेडी थी वो टू हूम यू स्वेयर अ सीक्रेट पिलग्रिमेज, मीन्स कि तुमने जिससे कहा है कि तुम सीक्रेटली उसको विजिट करोगे. नाउ सी सीक्रेट पिलग्रिमेज, नाउ हियर इट मीन्स प्रॉमिस टू विजिट सीक्रेटली. ओके तो बोलता है चलो बताओ कौन है वो लेडी जिसको तुमने प्रॉमिस किया है एक सीक्रेट विजिट के लिए, और तुमने आज प्रॉमिस किया था कि तुम बताओगे. नाउ टिस नॉट नोन टू यू एंटोनियो हाउ मच आई हैव डिसेबल माइन स्टेट, तो बोलता है कि कुछ भी छुपा नहीं तुमसे एंटोनियो, कितना मैंने तुम मतलब तुम्हारे फाइनेंस को मतलब कितना बैडली यूज़ किया है तुमसे, मतलब बहुत सारे लोन लिए हैं. बाई समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट देन माई फेंट मीन्स वुड ग्रांट कंटिन्यूस, मीन्स By living a lavish living which is moderate income not allow me. Now वो बोलता है कि मतलब मैंने इतनी लग्जरी लाइफ जी है और मेरी जो इनकम थी वो मॉडरेट थी जो मुझको अलाउ नहीं करती. आई डो नॉट कम्प्लेन दैट नाउ आई कैन नॉट, सो बोलता है नॉट डू आई नो नाउ मेक लोन टू बी एवरेज फ्रॉम सच अ नोबल रेट, तो बोलता है आई डू नॉट कम्प्लेन दैट नाउ आई कैन नॉट लिव लेविश, तो बोलता है मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ लेकिन अब से मैं लेविश मतलब लग्जरी लाइफ नहीं जीऊँगा. बट माई चीफ केयर इज़ टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेप्थ, तो बोलता है कि मेरा चीफ केयर मतलब सबसे प्राइमरी केयर ये है कि जो पहले वाली केयर जो डेप्थ है उससे मैं बाहर आऊँ. वेर इन माई टाइम समथिंग टू प्रोजिकल हैथ लेफ्ट माई गेज, तो वो बोलता है कि मेरे टाइम में समथिंग टू प्रोजिकल मीन्स spending money recklessly, something true prodigal means I have spent money true recklessly this, मतलब मैंने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया है बहुत उड़ाया है करके. Hath left me gashed means मुझे बहुत सारा debt में चला गया हूँ मैं, बहुत सारा credit में चला गया हूँ. To you Antonio I owe the most in money and in love, मतलब कि Antonio मैंने तुमसे बहुत कुछ लिया है कुछ love में कुछ money, मतलब बहुत सारा लिया है money in love, and from your love I have a warranty to unburden all my plots and purposes. तो बोलता है और तुम्हारे लव के लिए तुम मतलब कि तुम्हारे लव के लिए मैं तुम्हें इनफ स्ट्रेंथ टू डिस्क्लोज यू ऑल माई प्लान्स, मतलब कि तुम्हारे लव में एंड योर लव गिव्स मी इनफ स्ट्रेंथ टू डिस्क्लोज यू ऑल माई प्लान्स, कि तुमने मतलब तुम्हारे तुम मतलब कि आई हैव द मोस्ट इन मनी एंड इन लव, तुमसे मैंने बहुत सारा पैसा लिया बहुत सारा लोन लिया इन लव में, और तुम्हारा जो लव है मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है कि जो भी मेरा प्लान है वो मैं तुमको बता दूँ. हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेप्स आई ओ, मीन्स कि मेरा प्लान क्या है कि मैं इन सब डेप्स से क्लियर कैसे होऊंगा. सो अब इन समरी सी माई मेन वरी इज टू कम आउट ऑफ दिस हैवी डेप विच हैव अकर्ड ड्यू टू माई वर्थ एंड एक्स्ट्रा वेट यंग, तो बोलता है कि मतलब मेरी मेन चीज़ है कि मैं वरी हूँ कि इस हैवी डेप से मैं कैसे बाहर आऊँ, और तुम्हारे लव में मैंने तो बहुत सारा तुमसे लोन लिया है और तुम्हारे लव में मुझे स्ट्रेंथ दी है कि मैं तुम्हारे सारा प्लान डिस्क्लोज कर सकूं कि मैंने क्या क्या सोचा है कि मैं इस डेप से बाहर कैसे आऊँगा. नाउ नेक्स्ट
Antonio, I pray you, good Bassanio, let me know it, and if it stand as you yourself still do within the eye of honor, be assured, my purse, my person, my extremist means lie all unlocked to your occasions. Now बोलता है, I pray you, मतलब मैं तुमसे बोल रहा हूँ Bassanio कि तुम let me know your plan, कि तुम्हारा plan क्या है, और अगर ये इतना ही honor रहा, मतलब इतना ही respectable, honorable रहा तुम्हारा plan, जैसे कि तुम हो मेरे आय में, बी अश्योर्ड कि मेरा मनी, मेरे पर्सन और सारे मेरे रिसोर्सेस मैं तुम्हें अवेलेबल कर दूंगा फॉर यू. लाई ऑल अनलॉक टू योर ओकेशन मीन्स आर ऑल अवेलेबल फॉर यू. तो Bassanio बोलता है, इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट, नो शाफ्ट इज एरो, आई शॉट हिज फेलो ऑफ द सेल्फ सेम फ्लाइट द सेल्फ सेम वे विद मोर एडवाइज्ड वॉच टू फाइंड द अदर फूड. तो वो बोलता है, इन माई स्कूल डेज जब मैंने एक एरो अपनी लॉस्ट कर दी थी तो मैंने दूसरी वही एरो शॉट की थी, वही मतलब दूसरी एरो उसी डायरेक्शन में, और बहुत ही केयर से दूसरी एरो शॉट की थी उसी डायरेक्शन में, ताकि मैं दूसरी जो एरो है वो ढूंढ सकूँ, उस दूसरी एरो को फॉलो करके मैं पहली और दूसरी दोनों को ढूंढ सकूँ. एंड बाई एडवेंचरिंग बोथ, मतलब एडवेंचरिंग मीन्स दोनों को रिस्क में रख के, I oft found both, मतलब कि मैंने उसको दूसरी एरो को डायरेक्शन देख के मैंने दोनों एरो ढूंढ ली. I urge this childhood proof because what follows is pure innocence. तो बोलता है, मैम ये वाला जो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, I owe you much and like a willful youth that much I owe is lost. तो बोलता है कि मैं तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ कि मैं दूसरा लोन लेके तुमसे दोनों वापस करूँ. तो बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ लिया है, एंड लाइक अ विलफुल यॉथ, नाउ विलफुल यॉथ मीन्स सेल्फ विल्ड यंग मैन. तो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ लिया हूँ और मैंने सब कुछ लॉस्ट कर दिया है, बट इफ़ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे विच यू डिड शूट द फर्स्ट, आई डू नॉट डाउट एज आई विल वॉच द एम और टू फाइंड बोथ और ब्रिंग योर लेटर हजार्ड बैक अगेन एंड थैंकफुली रेस्ट एप्टर फॉर द फर्स्ट. सो बोलता है कि अगर तुम मुझको दूसरा लोन दोगे टू शूट मीन्स, बट इफ़ यू प्लीज़ अगर तुम मुझको दूसरा एक अनदर लोन देते हो सेल्फ वे विच यू डिड शूट द फर्स्ट. सो बोलते हैं कि अगर तुम मुझे दूसरा लोन देते हो तो नो डाउट मैं उसको फॉलो करके दोनों जो लोन है वो भर दूंगा, मीन्स दोनों लोन तुमको वापस कर दूंगा, दोनों जो लोन के पैसे थे वो तुमको वापस कर दूंगा. अगर इफ़ यू आर प्लीज तो यू कैन गिव मी सेकेंड लोन. सो जैसे मैंने सेकेंड एरो शूट की थी रिस्क करके और फिर डायरेक्शन को देख के मैं दूसरा दोनों एरो मिल गई थी, वैसे ही मैं लोन से भी दूसरे उसको फाइंड करके दूसरा लोन भी चुका दूंगा, मतलब दोनों लोन चुका दूंगा अगर तुम मुझे पैसे दोगे, दूसरा लोन दोगी. और अगर बाई चांस नहीं चुका पाऊंगा तो सेकेंड जो लोन है वो तो पक्का ही वापस कर दूंगा. ओके सो Antonio बोलता है, यू नो मी वेल एंड ही डिडंट स्पेंड बट टाइम टू win but my love with circumstances and out of doubt you do me now more wrong in making questions of my uttermost. तो बोलता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, we know each other well but still you are giving me example, surely you wrong me but more by doubting about my readiness to help you, means ready to help you with a bigger. ना वो बोलता है कि हम लोग एक दूसरे को यू नो मी वेल, मतलब हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, और तुम मुझको एग्जांपल दे रहे हो और पक्का तुमने मुझे जो है रॉन्ग प्रूफ किया है कि तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं रहूँगा. देन इफ़ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव देन डू बट से टू मी वॉट शुड आई डू. सो बोलता है, देन टेल मी वॉट शुड आई डू फॉर यू, then in my knowledge may by me be done and I am pressed and to therefore speak. So बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ means I am ready to give everything for you. मैं तुम्हारे लिए मतलब कि तुम्हें जो भी चाहिए, मैंने पहले ही कहा है कि all resources are available for you. Bassanio, in Belmont is a lady richly left and she is fairer and fairer than that word of wondrous virtues. Now here Bassanio is giving description about Portia whom he want to marriage. Now here वो बोलता है कि एक Belmont में एक lady richly left है, means she is rich and she is beautiful and more beautiful than that word beautiful.
and of wondrous virtues. Here see, of wondrous virtues means beauty with brain. Here of wondrous virtues means of beauty with brain. Okay, now sometimes from her eyes I did receive fair speechless message. So he says that sometimes from Portia's eyes he received fair speechless message that she also loves her. Her name is Portia, nothing undervalued, to Cato's daughter Brutus Portia. Now here he says that ki uska naam Portia hai, her name is Portia, and here he is giving example or he is comparing Portia with Cato's daughter, because he is also very beautiful. That's why Bassanio is giving description about Cato's daughter and Brutus' wife Portia. And Cato's daughter or Brutus ki wife ka naam bhi Portia tha, and idhar bhi uska naam Portia hai jisse Bassanio shaadi karna chahta hai. So he is comparing Portia with Cato's daughter Brutus' wife Portia. Now see here. Here it is. Cato's daughter, Brutus' wife. See here. It is here. Portia here is compared to Portia in jealous Cassius, who are. Now here. Portia here is compared to Portia in Julius Caesar, who was the daughter of Cato and wife of Brutus, the leader of conspiracy against Julius Caesar. Now here, that only I told ki jo Portia hai wo Cato's daughter aur Brutus ki wife ki comparison ki gayi hai, because Cato's daughter aur Brutus wife jo Portia thi, she is also very beautiful. That's why uska example diya hai Bassanio ne. Nor is the wide world ignorant of her worth, for the four winds blowing from every coast renove suitors. Now here वो बोलता है कि उसके worth से, उसके beautiful मतलब उसके richness से, उसके पैसे, उसकी खूबसूरती से कोई भी अनजान नहीं है. Four winds blow means world के four corners से suitors आते हैं उसके उससे शादी करने के लिए. Means एलिजिबल सूटर्स जो होते हैं वो कंट्री के फोर कॉर्नर्स मीन्स हर जगह से आते हैं. एंड सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस. नाउ हियर इज गिविंग डिस्क्रिप्शन अबाउट हर हेयर कि उसके हेयर जो है एकदम सनी लॉक्स जैसे हैं, ब्राइट हैं, ब्यूटीफुल हैं, विच मेक्स हर सिट ऑफ बेलमोंट कैल्कोस ट्रेंट. नाउ एंड मैनी जेसेंस कम इन क्वेस्ट ऑफ हर. नाउ हियर जेसेंस मीन्स सूटर्स हु कम्स. हियर इज द हियर इट इज सी. No. So Portia is like Belmont Calcos Strand, means she is sitting like a queen on the she is sitting like queen, and Jason's means different suitors are coming to marry her. Now, oh my Antonio, had I but the means to hold a rival place with one of them, I have a mind presages me such trip that I should questionless be fortunate. Now here he says that ki oh my Antonio, लेकिन मेरे पास इतने मीन्स मतलब मुझे इतने पैसे चाहिए टू होल्ड अ राइवल प्लेस मीन्स टू कम्पीट विद कम्पीट और कम्पिटिशन फॉर टू बी एन एलिजिबल सूटर. सो एक मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि वो एक एलिजिबल सूटर की तरह वहाँ प्रेजेंट हो सके उस कॉम्पिटिशन में. ओके एंड उसको पता है कि इधर दैट आई शुड क्वेश्चनलेस बी फॉर्चून मीन्स आई विल बी लकी आई विल बी profitable success without doubt I'll marry her, because उसको विश्वास है कि he will win the competition. Antonio, though knows that all my fortunes are at sea, neither have I money nor commodity. Now he says that कि मेरे पास अभी कोई भी fortune नहीं है, means in hand उसके पास कोई भी cash नहीं है, सारे fortunes जो उसके सारे business हैं वो अभी sea पे हैं, उसके पास कोई भी money नहीं है, nor commodity. Commodity means security for a loan. Okay. To raise a present sum means तुम्हें देने के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है, means अभी मेरे पास ready cash नहीं है. Therefore, go forth, try what my credits can in Venice do. Now वो बोलता है कि इसीलिए मेरे पास अभी कुछ hand means cash नहीं है hand में,
सो जाओ वेनिस में, मेरा क्रेडिट मीन्स मेरे नाम से मेरा नाम यूज कर लो और देखते हैं क्या यूज हो सकता है, मतलब मेरा नाम कुछ यूज हो सकता है। दैट शैल बी रैक्ड इवन टू द अटरमोस्ट टू फर्निश दाई टू बेलमोंट टू फेयर पोर्शिया, मीन्स जो तुम्हें हेल्प कर सके पोर्शिया, बेलमोंट जाके पोर्शिया को विन करने में। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई वेयर मनी इज एंड आई नो क्वेश्चन मेक आई हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट फॉर और फॉर माई सेक। ओके सो बोलता है कि गो इन वेनिस एंड ट्राई टू यूज माई क्रेडिट मीन्स यूज माई नेम टू टू गिव मीन्स टू टेक सम लोन एंड इफ़ योर ट्रबल्स वर एज ग्रेट एज योर गुड फॉर्चून्स देन यू वुड बी टायर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स कि अगर तुम्हारे जो ट्रबल्स हैं वो ज़्यादा ग्रेट रहेंगे तो तुम भी अपने मतलब ये वर्ल्ड से टायर हो जाओगे, क्योंकि वो भी अपने इस वर्ल्ड से वर्ल्डली अफेयर से टायर हो चुका है। तो वो बोलता है बस कि अगर तुम्हारे जो फॉर्च्यून्स है वो अगर ट्रबल्स दे रहे होंगे, परेशानी दे रहे होंगे, तुम्हारी अगर किस्मत में नहीं होगा टाइप्स, तो तुम भी इस वर्ल्ड से टायर हो जाओगे। आई हैव नो डाउट दैट आई विल बी एबल टू बोरो मनी एदर बिकॉज ऑफ माई बिजनेस क्रेडिट और ऑन अकाउंट ऑफ माई पर्सनल श्योरिटी। सो बोलता है कि यस सी आई टिल से फ्रॉम आई दिस, सो ही सेज हियर आई हैव नो डाउट दैट आई विल बी एबल टू बोरो मनी आइदर बिकॉज ऑफ माई बिजनेस क्रेडिट और ऑन अकाउंट ऑफ माई पर्सनल श्योरिटी। सो ही वो बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे लिए मतलब मेरे नाम पे कोई ना कोई मुझे दे देगा, या तो बिजनेस क्रेडिट पे या फिर मेरे मतलब मेरे पर्सनल रिलेशन जो मैंने जिसके लिए पर्सनली हेल्प किया, मतलब मेरा बिजनेस नहीं था लेकिन देन ऑल्सो आई हेल्प हिम विदाउट इंटरेस्ट, सो या तो मेरे पर्सनल श्योरिटी से दे देगा या तो कोई बिजनेस क्रेडिट पे तुम्हें लोन दे ही देगा। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्ट वन सीन वन। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्ट वन सीन टू फुल एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।